हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग पावागढ़ पहुंच चुके थे, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हो ये पैदल सीढ़ियां जो चढ़ने वाले हैं उनका रास्ता है, और ये वाला रास्ता उड़न खटोले का है। तो हम पैदल तो नहीं जाएंगे, उड़न खटोले से जाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग निकल चुके हैं उड़न खटोले के लिए। एक साइड से आने का रास्ता और एक साइड से जाने का रास्ता है उड़न खटोले। ये यहाँ पर टिकट लेनी होती है उड़न खटोले के लिए। आने और जाने की दोनों की भी टिकट आप ले सकते हो, और केवल एक तरफ की भी टिकट ले सकते हो। हम दोनों साइड की टिकट लेंगे। पहले तो इसका टिकट बहुत कम था, अभी कुछ बढ़ा दिया है। अब 150 के आस समथिंग हो रखा है पर पर्सन के हिसाब से। 150 लगा हम लोगों का एक पर्सन का। उसके बाद फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग निकल गए, और यहाँ सिक्योरिटी बेस पे यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। बैग, लेडीज़ों के पर्स वगैरह चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद हम उड़न खटोले के लिए निकल चुके थे। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं। अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर थी, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं हमें। वरना ये पूरा जो देख रहे हो ना रेलिंग, ये पूरी फुल रहती। उड़न खटोले तक पहुंचने में हमें 2 से 3 घंटे का समय लग जाता अगर यहाँ भीड़ होती है तो। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये जो रेलिंग बनी है ये सिर्फ भीड़ की वजह से ही बनी है। यहाँ पे पब्लिक को रोक लिया जाता है और लाइन से ही यहाँ पे चलना होता है। तो ये देखिए, हम लोग केवल 5 मिनट में ही उड़न खटोले के लिए पहुँच चुके थे। और ये रहा उड़न खटोला, येलो वाला दिख रहा है ना, ये उड़न खटोला है। एक इधर से आता है और एक उधर से जाता है। जब एक आता है तो जब ये दूसरे को ये लोग यहाँ से छोड़ते हैं। ये देखिए, ये येलो वाला चला गया, उधर से रेड वाला आ रहा है। ये जो टर्नर बने हैं ना, ये यहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बैलेंस बना बना के ये लोग यहाँ पर बिठाते हैं सेफ्टी के हिसाब से। ये देखिए, एक चला, येलो वाला जाने वाला है। ये देखो, इसे पैसेंजर बैठ रहे हैं। एक इधर से आया, जब ये आएगा फिर उसके बाद ये निकलेगा यहाँ से। ये देखिए बैलेंस का बना के दोनों सब साइड में मतलब वेट सही होना चाहिए। तो ये लोग यहाँ बैलेंस बनाने के लिए खड़े होते हैं। ये देखिए, अब हमारी भी टर्न आने वाली है। हम ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, इसमें बैठने वाले हैं। अब हम लोग इसमें बैठ चुके हैं। ये देखिए, और ये हमारा उड़न खटोला यहाँ से निकल चुका है। ये देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ा डर लगता है। ये उड़न खटोले से जाने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगते हैं ऊपर मंदिर तक पहुंचने में। उड़न खटोले से जाने के बावजूद भी आगे ऊपर हमें बहुत सीढ़ियां चढ़नी होती है। ये देखिए, अभी कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इधर से रेड वाला आया, ये क्रॉस किया इसने। और ये जो ग्रीन ग्रीन नीचे देख रहे हो ना, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया रास्ता है। सीढ़ियों से जो उड़न खटोले से नहीं जाना चाहता है वो पैदल भी जा सकता है। ये देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना कोहरा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे। ये देखिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
मौसम थोड़ा ऐसे ही फॉगी फॉगी सा हो रखा था। कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरा बेटा। यहाँ देखिए ये एमी को, एमी फुल एंजॉय कर रहा है, एमी दिख रहा है एंजॉय कर रहा है। अपने डैडी की गोद में बैठा था एमी, एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा था। बच्चे के साथ शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसे भी देखना होता है, इस वजह से थोड़ा बाहर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखिए हम उड़न खटोले से उतर चुके हैं, निकल चुके हैं और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिमला वगैरह में आ चुके हैं, शिमला या कश्मीर में हम लोग घूम रहे हैं ऐसा लग रहा था। सामने का कोई भी व्यक्ति हमें दिख नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा फॉगी फॉगी सा और रेनी सीजन, रेन हो रही थी हल्की फुल्की। यहाँ आसपास दोनों तरफ से दुकानें होती है लेकिन दुकानें भी नहीं दिख नज़र आ रही है। पूजा की सामानों की और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, बाकी ये कोहरे की वजह से यहाँ दुकानें भी नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ आसपास में जो दुकानें दिख रही है यहीं से पूजा वगैरह कोई भी सामान हम ले सकते हैं और फोटो वगैरह क्लिक करवाना है तो उसके लिए भी स्टूडियो बना हुआ है। ये देखिए हम ऊपर आ चुके हैं और देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत कोहरा छाया हुआ था इस वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा बारिश के मौसम। ये हम लोग मंदिर, हम यहाँ से मेन चढ़ाई है, मेन मंदिर तक ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बनाया है। ये सामने जो गेट दिख रहे हैं ना, एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का है, लेकिन जाने वाला रास्ता बंद कर रखा था क्योंकि काम वगैरह चल रहा था। पर गेट भी देखिए दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी धुंध की वजह से। हम तो पास में नज़दीक में आने के बाद भी हमें गेट नहीं दिख रहा था, हमें मतलब पहुँच भी गए। ये देखिए इतनी नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं चढ़ के, और बच्चे के साथ तो चढ़ना बहुत मुश्किल होता है तो हम लोग रेस्ट कर करके चढ़ रहे हैं। ये ऊपर तक हमें जाना है और आगे ये देखिए ये पूरा हमको अभी चढ़ना है, यहाँ से तो पैदल चढ़ना ही होता है। ये हम अभी मंदिर में पहुँच चुके हैं ऊपर, ये जो गेट दिख रहा है वो आगे मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटो या वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता है, इस वजह से मैं आगे अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊंगी, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए नीचे का व्यू, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फॉग की वजह से। ये देखिए आप लोग सब यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये भैरव, काल भैरव की मूर्ति है यहाँ पर, और ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी बना रखा है, बेंचेस वगैरह लगी हुई है मंदिर के सामने। ये मंदिर का दरवाजा है मेन। हाँ देखिए आपको भूख लगी ना, ये मेन है।
हम लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर निकल चुके थे। एंट्री अलग है और एग्ज़िट अलग है, तो यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। थोड़ा मौसम अभी क्लियर हो रहा है, हल्की हल्की से धूप निकल रही थी। और ये सामने देख रहे हो, ये प्रसाद का काउंटर है। और जो भी यहाँ मंदिर में कुछ भी चढ़ाना अलाउ नहीं होता है, वो लोग केवल टच करके हमें वापस कर देते हैं। जो कोई भी साड़ी वगैरह कुछ भी चढ़ाता है तो साड़ी यहाँ जमा करनी होती है, और यहाँ से ही आप साड़ी देवी को चढ़ाई हुई साड़ी आप खरीद सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ से प्रसाद मिल रहा था, और मेरे बेटे एमी को देखिए, वो बहुत खुश हो रहा था, यहाँ आके इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। एमी, एमी। बच्चे गोद गोद में रहकर भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें खेलने के लिए नहीं मिलता है। अगर ऐसी खुली जगह मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा अब यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है मंदिर में। पहले केवल सिंगल रास्ता था, आसपास पूरी पहाड़ी थी और केवल एक ही रास्ता था। ये जो बन रहा है ना, ये काम चल रहा है, ये उड़न खटोला यहाँ तक आने वाला है, तो उसी का काम चालू है अभी। मोदी जी भी आए हुए थे यहाँ, जो कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो थोड़ा बहुत हो चुका है। मंदिर पहले बहुत सकरा था, केवल मंदिर ही माता का मंदिर ही था, और आसपास से पूरी खाई थी। तब इसे थोड़ा बढ़ा के इन्होंने थोड़ा स्पेस दे के बनाया है। पहले सिंगल रास्ता था, अब डबल कर दिया है। ये देखिए मंदिर कितने ऊंचाई से हम लोग अभी आए हैं, नीचे उतर चुके हैं। ये देखिए, और ऊपर नारियल नहीं फोड़ने देते हैं, ना ही चढ़ाने देते हैं, तो नारियल फोड़ने का यहाँ अलग से बना हुआ है, यहाँ फोड़ सकते हो। देखिए जब जाते समय तो बिल्कुल फॉग की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और अब थोड़ा क्लियर हुआ है मौसम, तो ये देखिए दुकानें वगैरह, सारी दुकानें यहाँ लगी हुई है। आपको कटलरी सामान चाहिए, चूड़ी बिंदी टिक्की सब मिलेगा यहाँ पर, पूजा का सामान मिलेगा, बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर, दुकानें सारी चीज़ों की लगी हुई है। और बारिश की वजह से ये ऊपर भी उन्होंने ऐसे त्रिपाल जैसे लगा रखे, शेड बना रखे हैं, तो यहाँ पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा। अब हम लोग रिटर्न के लिए आ गए उड़न खटोले के लिए। यहाँ रास्ता बहुत सकरा बनाया गया है, केवल एक व्यक्ति ही यहाँ से जा सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता है। मैं बोल रही हूँ, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, रश बिल्कुल नहीं था। नवरात्रि के समय या कुछ पूनम वगैरह होती है तब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये देखिए, हम लोग भी दर्शन करने के बाद वापस आ गए। इधर कुछ बहस हो चुकी थी इन लोगों की, पता नहीं किस बात पे बहस कर रहे थे, बैठने पे किसी चीज़ पे वो लोग बहस कर रहे थे। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, नीचे उतर रहे हैं। जितना चढ़ाई में डर लगता है उतना रिटर्न होने में भी डर लगता है। ये देखिए मेरा बेटा, एमी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है बहुत। और ये देखिए, जाते समय तो कुछ भी नीचे का व्यू नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मौसम साफ होने की वजह से। ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल खाई पहाड़ी वगैरह ही है, और ये नीला नीला देख रहे हो ना, ये सिंगल पैदल चलने वालों के लिए है। नीचे से लोग ऊपर पैदल चढ़ के आते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगता है।
सुबह से चढ़ने वाले सुबह से चढ़ते हैं तो 2-3 घंटे में ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए पीछे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये हम लोग उतरने वाले हैं, अब नीचे आ गए हैं, उड़न खटोले से उतरने के लिए निकले हैं। उड़न खटोले से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से एग्जिट बना रखा है, तो एग्जिट यहाँ छोटा सा गार्डन बना रखा है और जैसे ही आप इधर से निकलोगे बाहर तो रेस्टोरेंट भी बीच में बना रखा है। लेकिन हमने भी वहाँ नाश्ता किया था लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमें तो टेस्ट पसंद नहीं आया। फिर आप देख लीजिएगा अगर आपको वहाँ खाना हो तो। हमारे दर्शन हो चुके, अब हम चलते हैं घर, अब मिलेंगे। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करूँगी और अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जितना चढ़ने में डर लगता है उससे ज़्यादा ही उतरने में डर लगता है, लेकिन उतरने समय घाटी से उतरते समय टाइम नहीं लगता है, जल्दी से गाड़ी नीचे उतर जाती है। ये देखिए हम लोग उतर रहे हैं। चलिए अब मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।